नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार वो है जो आहार द्रव्य एक दूसरे के साथ खाने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, तो इसे कहते हैं विरुद्ध आहार, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है। तो इसमें हम अलग अलग आधार पर विरुद्ध आहार कौन से हैं ये देखते हैं। पहला देखेंगे देश के विरुद्ध आहार। देश विरुद्ध आहार मतलब यदि कोई भी आहार रुक्ष प्रदेश में खाता, देश विरुद्ध मतलब देश है रुक्ष प्रदेश और आप भोजन भी रुक्ष प्रकृति का ही कर रहे हैं, सूखा गर्म मसालेदार जो सूखापन को बढ़ाएगा। और वैसे ही कोई व्यक्ति यदि ठंडे प्रदेश में रहता है, ठंडी जलवायु में नमी युक्त जलवायु में रहता है और वहां ठंडे भोज्य पदार्थ करता है जो ठंडे प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो ये हो गया देश के विरुद्ध। यदि आप रुक्ष प्रदेश में है तो आपको श्लक्ष्ण यानी चिकनाई वाले पदार्थ लेने चाहिए। और यदि आप जिस रीजन जिस देश में है वहां बहुत ठंडा जलवायु है, ठंडा क्लाइमेट है, तब आपको क्या लेना चाहिए, उष्ण प्रभाव वाले भोज्य पदार्थ, तो वो सही रहेगा। तो देश विरुद्ध आहार नहीं लेना है, मतलब रुक्ष प्रदेश में रुक्ष आहार नहीं लेना है, ठंडे प्रदेश में ठंडे प्रभाव वाले पदार्थ नहीं लेना है, तो ये देश के विरुद्ध आहार नहीं करना है। दूसरा है काल के अनुसार विरुद्ध आहार। तो काल के अनुसार विरुद्ध कौन से होंगे, यदि ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म काल हुआ तो उस समय गर्म तेलीय मिर्च मसालेदार पदार्थ नहीं खाना है। और उसके विपरीत यदि मौसम ठंड का है तो उस समय एकदम ठंडे सूखे ऐसे पदार्थ नहीं खाना है, उसके विपरीत पदार्थ खाना है। तो ये काल के अनुसार विरुद्ध आहार हुआ। यदि आप उसी काल वाले पदार्थ आप खा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में गर्म तेलीय मसाले, तो ये काल के विरुद्ध हो जाएंगे। तीसरा है अग्नि के अनुसार विरुद्ध। अग्नि के अनुसार विरुद्ध आहार मतलब यदि आपकी जठराग्नि बहुत अच्छी है, बहुत तेज है, तो आप भोजन एकदम नाम मात्र थोड़ा सा खा रहे हैं तो वो हो गया अग्नि विरुद्ध। और इसके विपरीत यदि आपकी जठराग्नि बहुत कमजोर है, पेट में एसिडिटी गैस बन रहा है और फिर भी आप बहुत सारा भोजन खा रहे हैं, तो दोनों ही अवस्थाएं कहलाएगी अग्नि के विरुद्ध। तो सही क्या है, यदि जठराग्नि तेज है तो अच्छा मात्रा में अच्छे क्वालिटी का भोजन करें, यदि जठराग्नि खराब है, पेट खराब है, तो हल्का भोजन करें या कम भोजन करें या नहीं करें, ठीक है। अब मात्रा के विरुद्ध आहार। मात्रा के विरुद्ध आहार कैसे होंगे, इसे कुछ पदार्थ हैं जो बराबर मात्रा में नहीं खाए जाते हैं। शहद और घी, इन दोनों को कभी भी बराबर नहीं खाया जाता है। यदि शहद आप 2 चम्मच ले रहे हैं तो घी 1 चम्मच लें, या घी 2 चम्मच ले रहे हैं तो शहद 1 चम्मच लें, ये आयुर्वेद में वर्णित है मात्रा के विरुद्ध आहार। तो इसके कुछ कारण है, क्योंकि ये साथ में एकदम समान मात्रा में मिलाए जाते तो विष बनता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। हम इसके फूड पॉइजनिंग जैसा भी प्रभाव मान सकते हैं, तो ये आप ना करें। सात्म के विरुद्ध आहार। सात्म के विरुद्ध आहार क्या है, जैसे आपको किसी एक तरह के आहार की आदत है और आप एकदम दूसरे तरह का भोजन करने लग जाते हैं जो इसकी आदत नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जो आपको लगातार सालों से आदत है, जो आपके शरीर को आदत पड़ी हुई है कि आप इस तरह का भोजन करते हैं, और आपका कोई नौकरी बदला या आपने देश बदला, दूसरे देश गए, तो आपको वहां का भोजन जब करेंगे जो आपकी आदत में नहीं है, तो वो सात्म के विरुद्ध आहार होगा। मतलब उसकी शरीर को आदत नहीं है, मन को भी आदत नहीं है, तो वो सात्म के विरुद्ध आहार हो। अगला है छठा, दोष अनुसार विरुद्ध आहार। दोष अनुसार विरुद्ध आहार कैसे, यदि शरीर में कफ दोष बहुत ज्यादा है और आप आहार भी कफ बढ़ाने वाला रहे हैं, तो ये दोष के विरुद्ध हुआ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सही आहार क्या होगा, यदि आपके शरीर में कफ बढ़ा है तो आपको कफ शमन करने वाले आहार खाने चाहिए। सातवां है संस्कार के अनुसार विरुद्ध आहार। संस्कार के अनुसार, संस्कार मतलब जिस तरह का प्रिपरेशन आपने किया है, जैसे शहद को यदि गर्म पानी या गर्म दूध में गर्म करते हैं तो वो विष बन जाता है। संस्कार मतलब प्रिपरेशन सही नहीं हुई है, तो इसलिए शहद को गुनगुने पानी या गुनगुने दूध में लेना सही है, तो वो उचित रहेगा। लेकिन यदि आप गर्म में डाल देंगे तो वो संस्कार के अनुसार विरुद्ध आहार हो जाएगा। आठवां है वीर्य विरुद्ध आहार। वीर्य मतलब
गुण, जैसे उष्ण वीर्य उष्ण गुण वाला और शीत वीर्य मतलब शीत गुण वाला, तो दो तरह के पदार्थ होंगे। तो जो भी आहार द्रव्य का वीर्य यदि उष्ण है तो वो द्रव्य आप यदि ले रहे हैं और उसके साथ साथ शीत वीर्य यानी ठंडे गुण वाला पदार्थ भी साथ में खा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत वीर्य वाले हो जाएंगे, तो वो शरीर पे नुकसान करेंगे। ये सामान्य भी आप देखते हैं, घरों में कहा जाता है कि ठंडा गर्म साथ में मत खाओ। अब आप आइसक्रीम और चाय मिला के खाओगे तो क्या होगा, बीमारी पैदा होगी। तो ठंडा और गर्म साथ में नहीं खाना है, वो वीर्य विरुद्ध आहार होगा। कोष्ठ विरुद्ध आहार, कोष्ठ मतलब आपके पेट की अवस्था, यदि आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है तो वो है मृदु कोष्ठ या मध्यम कोष्ठ, और यदि आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन है, बहुत तेज कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज बना रहता है, वो है क्रूर कोष्ठ। तो ये कोष्ठ जो है वो आपके पेट साफ होने से संबंधित है। तो कोष्ठ विरुद्ध आहार मतलब जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप लगातार मिर्च मसालेदार मैदे युक्त कब्ज वर्धक भोजन कर रहे हैं, और इसके ठीक विपरीत यदि आपका मृदु कोष्ठ है, मृदु मतलब आपको तुरंत कुछ हल्का सा खाया और पेट साफ हो जाता है, इसे दूध पीने से भी पेट साफ हो जाता है, घी ज्यादा खा लें तो पेट साफ हो जाता है। इस अवस्था में यदि आप दूध घी दही वाला भोजन करेंगे तो ये आपके कोष्ठ विरुद्ध आहार होगा। अवस्था विरुद्ध आहार, अवस्था विरुद्ध आहार मतलब दोष की जो अवस्था है, जैसे आपके शरीर में जो दोष की अवस्था है, वात दोष की वृद्धि हो रही है और उस समय आप वात शामक आहार लेने की जगह दूसरा आहार ले रहे हैं तो वो होगा अवस्था विरुद्ध आहार। क्रम विरुद्ध आहार, क्रम विरुद्ध आहार क्या होगा कि आपको बहुत जोर से भूख नहीं लगी फिर भी आप खाओगे तो बीमारी हो जाएगी, तो वो क्या क्रम विरुद्ध। और यदि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप कुछ भी नहीं खाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जो क्रम है यानी जब भूख लग रही है तो आप खाना खा रहे हैं और जब भूख नहीं लग रही है तो आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्रम है। परिहार विरुद्ध आहार, परिहार मतलब यदि कोई व्यक्ति एसिडिटी बनाने वाला अम्ल युक्त भोजन करता है और फिर वो इतना एसिडिक भोजन करने के बाद ऊपर से चाय भी पी लेता है तो चाय भी एसिड बढ़ा देती, तो दोनों ही एक ही चीज को बढ़ाने वाले हो गए तो परिहार विरुद्ध हो गए, तो उससे क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। उपचार विरुद्ध आहार, उपचार विरुद्ध आहार क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेल युक्त भोजन करता है तो तेल के ऊपर आयुर्वेद में कहा गया है हमेशा गर्म पानी पीना कि वो सही उपचार है, लेकिन तेल युक्त भोजन कर लिया और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया तो क्या होगा, खांसी होगी, दूसरी समस्या हो सकती है, तो ये हो गया उपचार विरुद्ध आहार। तो जब भी ऐसा कुछ आप खा रहे हैं तो उसके अनुसार उपचार जो सही है वो करें, तो उपचार मतलब उसके अनुसार जो बाद में खाना है वो खाएं, यदि तेल युक्त खाना खाए तो गर्म पानी पिए, ये ध्यान रखें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही होगा, नहीं तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। एक है पाक विरुद्ध आहार, पाक विरुद्ध आहार मतलब कोई भी खाना ठीक से पका हुआ नहीं और वो कच्चा ही खाना आप खा रहे हैं या बासी खाना खा रहे हैं तो वो गया पाक विरुद्ध, मतलब सही ढंग से पाक नहीं हुआ तो वो हो गया पाक विरुद्ध आहार। 15 है संयोग विरुद्ध आहार, संयोग विरुद्ध मतलब जिसके रस एक दूसरे से विपरीत है, यदि दूध है तो दूध के साथ नींबू को ही नहीं खाता तो आप दूध में नींबू डाल के खाएंगे तो उन दोनों का रस अलग है, दूध मधुर रस वाला है और नींबू अम्ल रस वाला, वो स्वास्थ्य के लिए फिर हानिकारक होगा। अगला है हृदय विरुद्ध आहार, हृदय विरुद्ध आहार मतलब जो आपको पसंद नहीं है और फिर भी आप वो भोजन कर रहे हैं, तो जो मन से आपको पसंद नहीं है और मन को दुखा के जबरदस्ती, जैसा कि हमने कहा भोजन हमेशा शांति से मन को शुद्ध रख के सम्मान के साथ करना चाहिए, कोई विशेष चीज पसंद नहीं है और कोई किसी लिहाज से या किसी दबाव में आप वो जबरदस्ती खा रहे हैं तो वो हो गया हृदय विरुद्ध। अगला है संपत विरुद्ध, संपत मतलब क्वालिटी या गुणवत्ता, तो गुणवत्ता के विरुद्ध या संपत्ति विरुद्ध आहार जो हो वो नहीं करना चाहिए, तो गुणवत्ता के विरुद्ध मतलब जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं हो वो आहार भी नहीं करना चाहिए, उससे शरीर को कोई फायदा नहीं होगा। अंतिम और 18वें नंबर पे है विधि विरुद्ध आहार, विधि विरुद्ध आहार मतलब
विधि मतलब नियम, तो जो भी आहार लेने के नियम है उनको पालन नहीं करते हुए मनमाने समय पर मनमाने तरीके से आप आहार कर रहे हो तो उसे कहेंगे विधि विरुद्ध आहार। तो विधि विरुद्ध आहार के विषय में भी आप सावधानी रखें कि सही तरीके से सही समय पर जो भी आहार के नियम है उनका पालन करते हुए आप आहार करें। ये सब विरुद्ध आहार की स्थितियां आप नहीं आने देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, अन्यथा आप चिकित्सकों के चक्कर लगाते रहेंगे। आपके यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित आप निसंकोच हमें लिखें, हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें, ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।